प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये मीराबाई द्वारा रचित है और मीरा मुक्तावली पद से लिया गया है। तो देखो, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको मैं बता देता हूँ पढ़ करके। ठीक है, एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर कठिन शब्दार्थ देखेंगे। हेरी में तो दर्द दीवानी होई, सुनो, हेरी में तो दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरो कोई। हेरी में तो दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरो कोई। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हुई। घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई, जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन जौहर होई। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवणा किस विधि होई। गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होई। दर्द की मारी वन वन डोलू, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सांवरिया होई। देखो, इसका जो कठिन शब्दार्थ है मैं उन्हें लिख देता हूँ। कठिन शब्दार्थ देखो, दर्द, दर्द का मतलब होता है दर्द, पीड़ा। दीवानी, दीवानी कहते हैं पागलपन। या दीवाना हो जाना, किसी के प्रेम में दीवाना हो जाना, पागल। घायल, घायल का मतलब होता है घायल। लाई, लाई का मतलब है लगाई या आग, अग्नि। जौहरी, देखो ये जौहरी शब्द आया, जौहरी कहते हैं जो जवाहरात का काम करता है, हीरे जवाहरातों का जो काम करता है उसको कहते हैं, जो सुनार होता है, स्वर्णकार, जौहरी कहलाता है। और जौहरी का अर्थ यहाँ पर एक जौहर करने वाले को भी कहा गया है, जो जौहर कर लेते हैं। सूली कहते हैं जो फांसी लगा लेते हैं, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवड़ा किस विधि हुई। और देखो, गगन मंडल, गगन मंडल, गगन मंडल कहते हैं, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सहस्त्रार्थ चक्र को कहते हैं, उस शून्य को कहते हैं। जब कोई संत समाधि लगा करके बैठ जाता है और शून्य में पहुंच जाता है, सहस्त्रार्थ चक्र में पहुंच जाता है, वो होता है गगन मंडल, सहस्त्रार्थ चक्र या शून्य, चक्र या शून्य। पीर, एक शब्द है, पीर का मतलब होता पीड़ा, दर्द। और सांवरिया, आप सभी जानते हैं सांवरिया का अर्थ होता है श्री कृष्ण। ये सांवरिया का अर्थ है श्री कृष्ण। तो देखो बच्चों, दर्द कहते हैं दर्द को, दीवानी कहते हैं पागलपन, घायल माने घायल, लाई माने लगाई या अग्नि, जौहरी माने स्वर्णकार, गगन मंडल कहते हैं सहस्त्रार्थ चक्र, शून्य पीर माने पीड़ा, सांवरिया माने श्री कृष्ण। तो देखो, ये मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये प्रस्तुत पद है, इस प्रस्तुत
पद भक्त कवित्री मीरा द्वारा रचित पदावली से उद्धृत किया गया है। इसमें मीरा ने स्वयं को अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति विरह से पीड़ित बताया है, विरह व्यथा से पीड़ित बताया है। वह विरह व्यथा में व्याकुल है। वह अपनी जो विरह व्यथा है उस विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई अपनी सखी से कहती है, कौन? मीराबाई। मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हेरी में तो दर्द दीवानी हुई, दर्द न जाने मेरो कोई। वह कहती है कि हे सखी, मैं तो प्रेम की पीड़ा से पागल हो गई हूँ, अर्थात पगला गई। मेरे अंदर प्रेम की ऐसी पीड़ा है कि मैं उससे पागल हो गई, पगला गई हूँ। मेरे अंदर बावलापन आ गया है, मैं बावली होती जा रही हूँ। मेरा जो ये बृहजन्य दर्द है, उस बृहजनित दर्द को कोई भी नहीं जानता है। मेरा जो बृहजनित दर्द है उस दर्द को कोई नहीं जान पा रहा है। घायल की गति घायल जाने कीचन लाई हो, और जौहरी की गति जौहरी जाने कीचन जौहर। देखो बच्चों, वह कहती है मीराबाई की, हे सखी, कि घायल व्यक्ति ही घायल की मनोदशा को जान सकती है। कि हे सखी, जो घायल व्यक्ति होता है ना, वो ही घायल की मनोदशा को जान सकता है, उसे पहचान सकता है, उसकी गति को जान सकता है। जिसने विरह की आग लगाई हो, कीजन लाई हो, जिसने विरह की आग लगाई हो और प्रेम की पीड़ा दी हो जिसने, वो व्यक्ति ही जान सकता है। अन्य व्यक्ति इस दर्द को नहीं पहचान सकता है, या तो वो स्वयं जानता है जिसने ये पीड़ा भुगती है भोगी है, या फिर देने वाला जानता है उसने जिसने ये पीड़ा दी है। और देखो, जौहरी की गति जौहरी जाने कीजन जोर। जौहरी आप जानते हैं जो जवाहरात का काम करता है, कि कहते हैं कि आभूषण का मूल्य जौहरी ही जानता है। रत्नों का मूल्य कौन जानता है? जौहरी जानता है। यह जिसने कोई जवाहरात का काम किया हो वही इसको पहचान सकता है, जौहरी रत्नों को। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसने, इसका अन्य अर्थ भी है कि जिसने जौहर किया हो, जैसे पद्मावती ने जौहर किया था, कि जिसने जौहर किया हो वह नारी ही उस जौहर की पीड़ा को समझ सकती है, उसकी वेदना को जान सकती है। अथवा जिसके कारण जौहर किया गया है, या फिर उस जिसके कारण जौहर किया गया है वह उसकी पीड़ा को समझ सकता है। कब मीराबाई कहती है कि इस प्रकार जो विरही व्यक्ति होता है, जो विरह से पीड़ित व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति उसकी विरह वेदना को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। जब तक जिसने उस पीड़ा को अनुभूत नहीं किया है तो वह व्यक्ति उस पीड़ा को नहीं जान सकता। प्रेम की पीड़ा को तो या तो प्रेम करने वाला जानता है, या जिसने प्रेम की पीड़ा दी हो वो जानता है। सूली ऊपर सेज हमारी सोवणा किसविध होई, और गगन मंडल पर सेज पिया की किसविध मेलना होई। देखो, व्यक्ति प्रेम करके व्रह व्यथा में रहना तो सूली के सेज पर सोने के समान है। प्रेम करता है व्यक्ति और प्रेम करके व्रह व्यथा में रहता है, उसे वियोग हो जाता है, तो वह एक सूली की सेज के समान बताया है।
सूली की सेज पर सोने के समान बताया। सूली की सेज पर नींद आना बहुत ही कठिन कार्य है, असंभव माना गया। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवना किस विधि होई, गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना हो। कवि कहते हैं कि सूली के ऊपर सेज आन, सूली की सेज पर नींद आना बहुत ही असंभव कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। कवि कहते हैं, कवियत्री कहती है कि ब्रहणी को रात दिन वह भयंकर संताप सताता रहता है, भीषण संताप सताता रहता है, वह दारुण संताप सताता रहता है। उसके प्रियतम श्री कृष्ण की सेज भी सुदूर गगन मंडल पर है, सुदूर गगन मंडल पर है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है, ज्ञान मार्गी है, वो ही व्यक्ति उस साधना के अनुसार शून्य में या सहस्रार चक्र में वह अगम्य स्थान जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता है, उस अगम्य स्थान पर उससे कैसे मिलना हो सकता है, उस ईश्वर से मेरा कैसे मिलना हो सकता है। वह तो अगम्य स्थान है, वह तो शून्य समाधि के आधार पर, सहस्रार चक्र के आधार पर साधना करके ही पहुंच सकता है व्यक्ति। अर्थात ये कठिन साधनों से ही साधा जा सकता है। जब व्यक्ति साधना करेगा, साधना के माध्यम से ही उस प्रियतम को प्राप्त कर सकता है। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, और मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद्य सांवरिया हो। देखो मीराबाई कहती है कि मैं दर्द के मारे वनों में भटकती रहती हूँ, मैं दर्द के मारे वनों में भटकती रहती हूँ, परंतु मेरी जो प्रेम की पीड़ा है उसका उपचार करने वाला मुझे कोई भी वैद्य नहीं मिला है। वैद्य कहते हैं डॉक्टर को, कोई भी वैद्य नहीं मिला, जो देशी दवाई देता है वो वैद्य होता है। मुझे कोई वैद्य नहीं मिला है मेरा उपचार करने वाला, मेरी प्रेम की पीड़ा का उपचार कौन कर सकता है, मुझे कोई वैद्य नहीं मिला, अर्थात मेरी ब्रह वेदना का निवारण करने वाला कोई भी नहीं है, मुझे कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद्य सांवरिया हो। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मीरा की जो ये ब्रह वेदना है ये तभी मिट सकती है, तभी शांत हो सकती है, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वैद्य बन करके आएगा। भगवान श्री कृष्ण वैद्य बन करके आएगा अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण के आने पर, उनसे मिलन होने पर ही मुझे इस वेदना से छुटकारा मिल सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण मुझसे मिलेंगे और वैद्य बन करके आएंगे तभी मेरी ये पीड़ा दूर हो सकती है। जो प्रेम की पीड़ा है वो तभी दूर होगी जब भगवान श्री कृष्ण मुझसे मिलेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें मीराबाई की वेदना की अनुभूति का इसमें वर्णन किया गया है। मीरा ने किया है कि अपने स्वयं के दर्द को, अपनी प्रेम की पीड़ा को सभी के सामने जाहिर किया है, जो उन्होंने अनुभूत किया है उस चीज़ को उन्होंने बताया है, और इसमें अनुप्रास, दृष्टांत आदि अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो देखो बच्चों, ये पद आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।